इस लेसन में मैं आपको ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और ओनर्स एक्विटी के कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम बताऊंगी कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। एग्जाम में ऐसे होता है कि ट्रायल बैलेंस आ जाता है और आपको मालूम है कि डेबिट और क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की इक्वल होनी चाहिए। ये बिल्कुल इक्वल है। ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? ईच अकाउंट का बैलेंस शो करता है, सिंपल। और इसमें आपके पास बैलेंस शीट अकाउंट्स भी आते हैं और इनकम स्टेटमेंट्स अकाउंट, यानी एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, जितने भी अकाउंट आते हैं वो सब शामिल हो जाते हैं। इसको देखते हुए अगर आपसे कोई कहा जाए कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, आपने ओनर्स इक्विटी बनानी है और आपने बैलेंस शीट बनानी है इस ट्रायल बैलेंस से, तो आप कैसे बनाएंगे? एक दफा मैं आपको करके दिखाऊंगी, फिर मैंने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए सेट किया है जो आपने खुद करना है। ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है November 30th, 2018 को। रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमने इस ट्रायल बैलेंस को मद्देनजर रखते हुए इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो एक दफा मैं दोबारा आपको दिखा दूं कि यहाँ पे देखें, ये जो रेवेन्यू आइटम है आपके पास, ये इनकम स्टेटमेंट का है। इसके बाद ये जो एक्सपेंसेस हैं आपके पास, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, सैलरीज, इंश्योरेंस, ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं। रिमेनिंग आपके पास बैलेंस शीट के आइटम है। ड्रॉइंग्स आपकी यूज होगी ओनर्स इक्विटी में, राइट? कैसे बनाते हैं? ये इनकम स्टेटमेंट है। आपने सबसे पहले 3 W's लिखने हैं, हु, व्हाट एंड व्हेन। नवंबर 30th को हम बना रहे हैं। रेवेन्यू हमारे पास अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस से मौजूद है वो आपने लिखना है। इस वक्त हमारे पास ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक रेवेन्यू है। अगर आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे आपके पास रेवेन्यू आता है तो आपने सब लिखनी होंगी, लेकिन इस ट्रायल बैलेंस में एक रेवेन्यू अकाउंट है जो 245,000 है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके पास सैलरीज एक्सपेंस है, इंश्योरेंस और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है। इन तीनों को आपने टोटल कर लिया, रेवेन्यू में से आपने एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया 19,300। हमें इस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। कितना सिंपल हो गया, राइट? अब हमने ओनर्स इक्विटी बनानी है। ओनर्स इक्विटी में देखें, दोबारा यहां चलते हैं। बिगनिंग कैपिटल हमारे पास कितना था? सैरास का हमारे पास ये कैपिटल था। इसमें कैसे मैंने आपको बताया है, इसमें जो भी प्रॉफिट हुआ है वो हमने ऐड करना होगा। तो इनिशियल कैपिटल हमारे पास ये था, इसमें हमने प्रॉफिट ऐड किया 19,300। अगर यहाँ पे लॉस होगा तो आपने माइनस करना होगा, राइट? मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो हमने कैपिटल में ऐड करना होता है, इससे ओनर्स इक्विटी बढ़ जाती है। हमारे पास 232,300 टोटल हो गया। अब इसमें से ड्रॉइंग थी जो कि पर्सनल यूज के लिए ओनर ने निकाली थी, ड्रॉइंग माइनस होती है, ओनर्स इक्विटी को डिक्रीज करती है। इसमें से हमने ड्रॉइंग को माइनस किया तो हमारे पास कैपिटल आ गया April 30th को 130,300, राइट? ये हमारा कैपिटल हो गया। अब बात करते हैं हम बैलेंस शीट की। अब जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम ये कैपिटल यूज करेंगे। देखिए, इनिशियल हमने शुरू किया था 213 से, अब ये नहीं होगा, अब ये कैपिटल होगा। कैसे आता है? नेट इनकम को इसमें ऐड किया, ड्रॉइंग इसमें से हमने माइनस की है। अब आप यहां आ जाएं, ये बैलेंस शीट मैंने आपके लिए बनाई है, वो जो मैंने आपको ट्रायल बैलेंस दिखाया था ये उसमें से ही अकाउंट लिए हैं। कैश बैलेंस है आपके पास, सॉरी, ये हमारे पास रिपोर्ट फॉर्म बैलेंस शीट बनी है। इसमें देखें, कैश हमारे पास है, अकाउंट्स रिसीवेबल, प्रीपेड, इंश्योरेंस, ऑफिस इक्विपमेंट, राइट? इसमें से हमने ये डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो टोटल एसेट्स हमारे पास आ गए 149,000, राइट? उसके बाद ये लाइबिलिटीज है हमारे पास 19,000 और फिर सैरस का कैपिटल जो मैंने आपको बताया कि अब हम 130,300 लिखेंगे। ये हमारे पास टोटल एसेट्स हो गया और लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल भी इक्वल होना चाहिए। यही बैलेंस शीट होती है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये रिपोर्ट फॉर्म बैलेंस शीट है जिसमें पहले हमने एसेट्स लिखे, फिर लाइबिलिटीज लिखे और फिर कैपिटल लिखा, राइट? तो जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया गया होता है, एक दफा आप दोबारा देख लें, इसमें इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स भी होते हैं, इसमें बैलेंस शीट के भी अकाउंट होते हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए आप इनकम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, आप ओनर्स इक्विटी भी बना सकते हैं और बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेट किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, सेम रिक्वायरमेंट है, नाम इसका चेंज है। यहाँ पे मैंने फरजाना ट्रायल बैलेंस लिखा है October 31st को, ये उसके अकाउंट्स दिए गए हैं। देखिए, डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हैं। आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ओनर्स इक्विटी और बैलेंस शीट बनानी है। पहले आपने देखना होगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर लॉस होगा
तो आपने ये जो कैपिटल है कहाँ है हमारे पास, इसमें कैपिटल ये है 136, अगर लॉस होगा तो इसमें से आपने इसको माइनस करना होगा 136 में से, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा आपको तो आपने इसमें ऐड करना है और ड्रॉइंग माइनस करनी है जो कि 34,000 है, लेकिन अगर लॉस होगा तो लॉस भी माइनस करना है, ड्रॉइंग भी माइनस करनी है, जो अमाउंट अमाउंट आपके पास आएगी वो आपने बैलेंस शीट में लिखनी होगी। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप इसको बिल्कुल जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल आपके सामने शो की थी उसको फॉलो करते हुए बना सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि देखिए यहाँ पे अहमद इन December 31, 2027 का ट्रायल बैलेंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया है। पहले क्या था, जैसे मैंने आपको बताया पहले कैश लिखते हैं, रिसीवेबल लिखते हैं, पहले एसेट्स लिखते हैं, फिर हम उसके बाद लाइबिलिटीज लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, मिक्स है, आपने खुद इसको अरेंज करना है। एक तो आपका काम यह है कि आपने इसको अरेंज करना है, कैश सबसे पहले लिख लें, इस ट्रायल बैलेंस को आपने ऑर्डर में लिखना होगा। फिर क्या है, यहाँ पे है फॉर नोट्स रिसीवेबल, ये रेड आपने नहीं लिखना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि क्वेश्चन में आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज होती है जो बिल्कुल कंफ्यूज कर रही होती है कि इसका क्या मीनिंग है। तो फॉर द बैंक लोन, देखिए ये बैंक लोन हमारे पास 400,000 है और ये कह रहा है कि 50,000 ड्यू इन 2018 में ड्यू हो जाएगा, जो एक साल में ड्यू हो जाता है वो करंट पोर्शन बन जाता है, इसलिए मैंने आपको ये रेड करके लिखा है। तो 50,000 आप कंसीडर करेंगे करंट लाइबिलिटीज और 350,000 आप कंसीडर करेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। सिमिलरली नोट्स रिसीवेबल, ये नोट्स रिसीवेबल है 85,000 का, इसमें से 30,000 आपके 2018 में कलेक्ट हो जाएंगे, इट मींस कि ये 30,000 आपने करंट एसेट्स में लिखने हैं, रिमेनिंग आपने लॉन्ग टर्म यानी फिक्स एसेट्स में लिखने हैं, इसका ये मीनिंग है। आपने क्या रिक्वायरमेंट क्या है, क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनानी है। मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए बैलेंस शीट खुद बना दी है ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो कि क्या रिक्वायरमेंट थी। देखिए पहले एसेट्स लिखते हैं, करंट एसेट्स हमारे पास हो गए, कैश हमारे पास आ गया, मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी आ गई, फिर नोट्स रिसीवेबल का जो 30,000 करंट होगा जो 2018 में आ जाएगा वो करंट पोर्शन में शामिल होगा, रिमेनिंग ये मैंने लिखा है नोट्स रिसीवेबल लॉन्ग टर्म, जो रिमेनिंग आपके पास 55 रह गया वो आपके पास लॉन्ग टर्म यानी फिक्स एसेट्स में काउंट होगा। तो इसके बनाने का ये तरीका होता है कि आपने क्लासिफाइड बैलेंस शीट कैसे बनानी होती है। राइट, ये आपने सारा कर दिया, टोटल एसेट्स हमारे पास आ गए 492,500। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं, लाइबिलिटीज में मैंने आपको बताया बैंक लोन जो 2018 में आपको मिल जाएगा वो करंट लाइबिलिटीज है, रिमेनिंग जो 350 है वो आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कंसिडर होगा। ये टोटल लाइबिलिटीज आ गई, ये थर्ड कॉलम आपके टोटल का है। राइट ओके, अब क्या है, और अहमद का कैपिटल हमारे पास 42,000 है, देखिए ये भी 492,500 है, ये 492,500 है, ये क्लासिफाइड बैलेंस शीट बन गई इसको फॉलो करते हुए। ये सिर्फ मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए लिखी हैं और यहाँ पहले आपने पॉज करना है, पहले इसको खुद सॉल्व करना है, खुद बनानी है बैलेंस शीट, फिर आपने यहाँ टैली करना है, अगर कोई एरर हो तो आप देख सकें। राइट आगे चलते हैं, आगे यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये भी मुझे अक्सर रिक्वेस्ट आई है कि आप ये बता दें कि अगर कोई मिसिंग इसमें से फिगर है तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। बस सेम बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि एसेट्स किसके इक्वल होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। राइट और इसमें एक अननोन होगी, रेशियो से तो मैं आपको बाद में भी बताऊंगी कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एक अननोन होता है, ये नहीं होगा कि तीनों अननोन हो या दो अननोन हो। यहाँ देखें टोटल एसेट्स आपके पास मिसिंग है, टोटल एसेट्स आपने फाइंड आउट कर लिया कि मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया है, लेकिन आपको मालूम है कि 492 टोटल आपके पास लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल तो ये मौजूद है। राइट तो हमने बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, आपने क्या करना होगा, ये देखें इन दोनों को आप ऐड कर लें तो भी ये आ जाएगा। अदरवाइज अगर मैं आपसे कहूं कि लाइबिलिटीज मिसिंग है, सिंपल करके बता देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास 1000 है, लाइबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, ओनर्स इक्विटी आपके पास 800 है, एक अननोन है, तो क्या होगा 1000 में से 800 माइनस कर ले, यहाँ 200 आ जाएगा, इट मींस कि लाइबिलिटी 200 है। अगर आपके पास अहमद का कैपिटल मिसिंग है, ये मिसिंग है, अननोन है, और ये हमारे पास दिया गया है यहाँ पे कि टोटल एसेट्स हमारे पास 492,500 है, तो भी बहुत सिंपल हो जाएगा, हमारे पास एसेट्स मौजूद है, इसमें से आप लाइबिलिटीज को माइनस कर दें, जो रिमेनिंग होगा वो आपका एमएस का कैपिटल होगा।
राइट right? अगर मैं ये कहूँ कि हमें लाइबिलिटी तो यहाँ 200 दी गई है, ये नहीं दिया हुआ 1000 है, तो क्या होगा इसमें से आपने इसको ये यहाँ आ जाएगा, ये जो इक्वेशन हम बिल्कुल 3-4 क्लास में सॉल्व करते हैं, ये 800 वही चीज बन गई। तो कोई भी एक अननोन हो, मिसिंग वैल्यू हो, आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ कह दूं कि इक्विपमेंट आपके पास, इजी करके बनाती हूँ, इक्विपमेंट आपके पास है 2000 राइट, और यहां मैंने लिख दिया आपके पास इक्विपमेंट की वैल्यू हो गई 1800, तो मैं कहूँ कि एक्यूमुलेटेड आपके पास डेप्रिसिएशन कितना हुआ, तो देखें ये आपके पास 2000 है, ये 1800 है, तो कैसे आया कि आपने इसमें से इसको माइनस कर दें, 2000 में से 1800 200 रह गए, तो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 200 है। यानी कोई भी एक चीज अगर अननोन हो तो आप दूसरों को सब्ट्रैक्ट प्लस करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें मैंने ये आपके लिए बनाया है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, यहाँ पे अप्रैल 30th 2018 का ट्रायल बैलेंस दिया गया है, राइट, शबाना इसका नाम है, कंपनी का नाम है, और क्या काम है इसका, पार्क रिपेयर करते हैं, शोन बिलो विद अकाउंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगेन ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, राइट। पहले मैंने आपको बता दिया कि कैश लिखते हैं, देखिए ये सबसे पहले होना चाहिए, कैश हो बैंक हो सबसे पहले होगा, फिर रिसीवेबल्स होंगे, प्रीपेड होंगे, रेंट होगा, राइट, आखिर में रेवेन्यू होगा और एक्सपेंसेस होगा। आपने इसकी सेटिंग खुद करनी है, अरेंजमेंट खुद करनी है, इससे आप ज्यादा सीखेंगे। पहले आपने इस ट्रायल बैलेंस को सीक्वेंस में बनाना है, पहले एसेट्स लिखने हैं, फिर लाइबिलिटीज लिखनी है, फिर कैपिटल लिखना है, फिर रेवेन्यू लिखे, फिर एक्सपेंसेस लिखे, एसेट्स में भी करंट एसेट्स पहले लिखे, फिर आपने फिक्स एसेट्स लिखने हैं, फिर करंट लाइबिलिटीज, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपने लिखनी है, और कैपिटल और सो ऑन, राइट। इसको पहले आपने अरेंज कर ले, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें से करंट एसेट्स कितने हैं, तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि फिक्स एसेट्स कितने हैं, टेंजिबल एसेट्स कितने हैं, रेवेन्यू कितना है, राइट, टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, तो ये क्वेश्चन है कि इसमें से आपने फाइंड आउट करके खुद बताना है। अब कैसे होगा, पहले आप यहाँ पॉज कर दें वीडियो को, क्वेश्चन क्या है, आपने करंट एसेट्स कैलकुलेट करें, इसमें से आप इसमें से लॉन्ग टर्म अपने एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स को कैलकुलेट करें, करंट लाइबिलिटीज को करें, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को करें, इंटेंजिबल एसेट्स को करें, या आप सारा इसमें से फाइंड आउट करें। जब आप इसको फाइंड कर लेंगे, कैलकुलेट कर लें, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए ये सॉल्व भी कर दिया है, ताकि आप अपने आंसर टैली कर सकें। करंट एसेट्स 91,500 है, प्रॉपर्टी प्लांट यानी फिक्स एसेट्स आपके पास इतने हैं, इंटेंजिबल एसेट्स इतने हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये कहूंगी, मेरा फोकस रहेगा कि आपने इसको यहाँ पॉज कर लें, खुद फाइंड आउट करें ये सारी चीजें। पहले इसको आप सीक्वेंस में बनाएं, खुद फाइंड आउट करें, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और आखिर में आप देखेंगे कि टोटल एसेट्स ये हैं 286,500 और टोटल लाइबिलिटीज दोनों इक्वल हैं हमारे पास। तो इट मीन्स कि ये जो ट्रायल बैलेंस है ये बिल्कुल सही है, राइट, ओके, या जो बैलेंस शीट हमने कैलकुलेट की या बनाई है वो भी बिल्कुल ठीक बनी है, आप उसमें से बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने ये करंट एसेट्स कैसे लिख लिए, 91,000 कैसे फाइंड आउट कर लिए, राइट, कौन कौन से अकाउंट कंसीडर किए हैं, मैंने कैश कंसीडर किया, प्रीपेड रेंट किया, तो मे बी आपसे कहीं गलती हो जाए और आप कहें कि हमारा बैलेंस तो ये नहीं आ रहा, 91,500 प्रॉपर्टी प्लान का 15,000 नहीं है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपकी एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है सारी, कि करंट एसेट्स 48,000 प्लस 14,400। अब ये आप खुद चेक कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा कैश है, कौन सा प्रीपेड है, ये कैसे है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो 19,000 की फिगर है, 26,000 की फिगर है, ये आप देख लें ये कौन से अकाउंट है और ये मैंने कैसे किए हैं, ये डिप्रिसिएशन है इसलिए इनमें से ये माइनस हो रहे हैं, तो नेट मेरे पास 15,000 बना है। यहाँ पे देखिए मैंने एक स्टैटिस्टिक साइन यूज किया है और एक ये यूज किया है, ये क्यों यूज किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है कि 6,000 नोट्स रिसीवेबल जो आपके पास है उसमें से 2,000 करंट है, 4,000 आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, राइट, और यहाँ पे 5,000 जो 35,000 की आपके पास लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल है उसमें से 5,000 आपका करंट में शामिल होगा। और देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा है ना पहले वाला कि ये 4,000 ये हमारा फिक्स्ड में गया, ये 2,000 हमारा करंट में आ गया। सिमिलरली 35,000 में लॉन्ग टर्म नोट्स इतना इस करंट, वाइल 30,000 जो है हमारी वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में यूज होगा, राइट right? अब आपने लॉन्ग कहां ये लिखा गया है, नोट्स पेएबल, ये आपने खुद यहां से देखना है। एक दफा मैं आपको यहां दोबारा दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास अमाउंट्स है, राइट, तो ये जो है 35,000 इसमें से
5,000 आपका करंट में आ जाएगा, 30,000 आपका लॉन्ग टर्म में चला जाएगा. ये जो 6,000 है इसमें से 2,000 करंट में आ जाएगा नोट्स रिसीवेबल, 4,000 आपका फिक्स एसेट्स में चला जाएगा. तो यहाँ मैंने डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करके आंसर बताए हैं, यहाँ मैंने इसकी डिटेल बताई है. अब ये कौन से अकाउंट है आप इसको आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस से. राइट, आगे चलते हैं. आगे यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, ये वही काम जो मैंने आपको पहले भी बताया है ओनर्स एक्विटी का कि कैसे फाइंड आउट होगा. ये हमारी एक्विटी है, देखें यहाँ 0,0 हमारे पास है, यहाँ आपने हमारे पास है ओनर्स ने इन्वेस्टमेंट की है ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द बिजनेस 60,000 और फिर उसको प्रॉफिट हो गया है. तो कैसे हमने एंडिंग हमारे पास एक्विटी ये है, तो कैसे होगा आपको मालूम होना चाहिए इसके स्टेप्स कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें प्रॉफिट जो है वो एड होता है और आखिर में आपके पास 56,000 आ गया. इट मीन्स कि ये फिगर आपने फाइंड आउट करनी है ये कैसे होगी. देखिए इसको मैं ऐड करती हूँ तो ये 75,750 हो जाएगा. एंड में ये होना चाहिए ये कम है, इट मीन्स कि यहाँ कोई सब्ट्रैक्शन होगी, विड्रॉल्स निकाली है और ये माइनस में अमाउंट आएगी. नेक्स्ट सिनेरियो पे जाते हैं. बी सिनेरियो पे आपने ओनर की इन्वेस्टमेंट मालूम करनी है कितनी है. यहाँ पे प्रॉफिट 30,000 का हुआ और उसके बाद ड्रॉइंग उसने 27,000 निकाल ली, तो इन दोनों को हम देखेंगे तो 3,500 आना चाहिए लेकिन ये 49,500 है. तो ये फिगर आपने मालूम करनी है, इन दोनों का बैलेंस मालूम करके इसमें से माइनस इन दोनों को माइनस कर दें. जो इन दोनों का बैलेंस आएगा दिस माइनस दिस, इसमें से 49,500 में से माइनस कर दें तो ये अमाउंट आ जाएगी आपके पास. ये बहुत इजी है, ये इन्वेस्टमेंट है, फिर लॉस हुआ है, फिर ड्रॉइंग भी निकाली है. इन दोनों ये दोनों लॉस है और लॉस को हम पैरेंथेसिस में शो करते हैं. इन दोनों को आप ऐड कर लें लॉसेस को और 31,000 में से माइनस कर दें, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी एक्विटी बन जाएगी. ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक एक्विटी 10,000 से शुरू किया है तो ये बढ़नी ही चाहिए, ये कम भी हो जाती है. अगर आप विड्रॉल ज्यादा निकाल लें या आपको लॉस हो जाता है तो एक्विटी हमारी कम हो जाती है. राइट, यहाँ पे आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. देखिए ये है, इसमें से आप ड्रॉइंग माइनस कर दें, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से आपने 32,000 में से उसको माइनस कर दें, आपके पास ये चीज आ जाएगी. और यहाँ आपने ये इनिशियल एक्विटी बिगनिंग में कितनी थी वो फाइंड आउट करना है. ये इन्वेस्टमेंट की ये लॉस हुआ, ये ड्रॉइंग है, इन दोनों को आपने ऐड करना है, इसमें से इसको माइनस कर दें, जो भी आंसर आएगा उसको 171 में से 1000 में से माइनस करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा. राइट, क्या करना है आपने, मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आपने यहाँ पे पॉज करना है, ये खुद फाइंड आउट करें. अगेन मैं कहूंगी इससे आप ज्यादा सीखेंगे और जब आप कर लें तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन भी मैंने आपके लिए लिख दी है. ये जो रेड में लिखे हैं ये इसके आंसर्स हैं, आपके यही आंसर आने चाहिए. आगे क्या है, आगे आपके पास अगेन ये एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है. इसमें से रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, चाहे तो आप बैलेंस शीट बना लें लेकिन मैंने यहाँ बहुत सिंपल करके लिख दिया कि हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है. याद रहे कि इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आपके पास आते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में आपको आखिर में ही मिलेंगे. अगर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा तो आपने फाइंड आउट करना है, अदरवाइज नॉर्मली ये आखिर में होते हैं. ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंसेस है और यहाँ मैंने आपके लिए इसको सॉल्व भी कर दिया है, ये प्रॉफिट हो गया आपके पास. आप चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए ओनर्स इक्विटी भी बना ले, बैलेंस शीट भी बना ले, लेकिन प्रैक्टिस आप जरूर करें, प्रैक्टिस के बगैर आप नहीं सीखेंगे. एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अकाउंटिंग बहुत ईजी हो जाएगी और ये वाकई में बहुत ईजी सब्जेक्ट है. इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन पे जरूर उसको लाइक क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सके और आप समझ सकें. बहुत शुक्रिया.